अस्सलामु अलैकुम। आज हम चिकन बिरयानी बनाने जा रहे हैं जो बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही आसान स्टेप से हम बनाना सिखाएंगे आपको। इसी तरीके से हम अपने घर में चिकन बिरयानी बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या चाहिए होगा, हमें किस चीज़ों की ज़रूरत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने 1 किलो चिकन का मीट लिया है, इसको अच्छे से धो के रख लिया है हमने, और ये 800 ग्राम हमने चावल लिए हैं, इसको भी 1 घंटे पहले हमने भिगो दिया था। ये लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस है, और ये हमने 250 ml ऑयल लिया है। ये 2 हमने प्याज ली थी, इसको बारीक काट लिया हमने स्लाइसेस में। 6-7 लौंगे हैं, 4-5 इलायची हैं, 1 बड़ी इलायची है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं और 2 तेज़पत्ते हैं जिसे हम बघारेंगे। ये हमने 1 कटोरी दही लिया है, ये 100 ग्राम दही है, और ये हम इसको जो है मैरिनेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारा दही हम इसमें डाल देंगे, और ये कुछ हमने पाउडर मसाले लिए हैं। ये 2 चाय के चम्मच हमने लाल मिर्च ली है, थोड़ी सी हल्दी ली है, और 1/2 चाय का चम्मच गरम मसाला शाहजीरा लिया है, 1/2 चाय का चम्मच, और 1 बड़ा चम्मच हमने नमक लिया है, या टेबल स्पून कह सकते हैं। नमक तो टेस्ट के हिसाब से ही रहेगा, अभी अगर हमें कम लगेगा तो हम थोड़ा और डाल सकते हैं। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये हमने 250 ml ऑयल जो है हमने गरम कर लिया है, इसमें हम प्याज डाल देंगे, और ये साबुत मसाले जो हमने लिए हैं उसको भी डाल देंगे उसी में, और जब प्याज हमारा गुलाबी हो जाएगा तब हम इसमें ये चिकन डालेंगे। अभी थोड़ी देर इसको हम गुलाबी होने देते हैं। तो ये देखिए हमारा प्याज बिल्कुल गुलाबी हो गया है, बस इसी स्टेज पर हम ये चिकन डाल देंगे इसमें। ये 2 टेबल स्पून हम अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डालेंगे, ये हमारे पास उस टाइम पिसा हुआ नहीं था, नहीं तो हम साथ ही में इसमें मिक्स कर देते। अगर आपके पास हो तो आप साथ में मिक्स कर दीजिए जो हमने मसाले मिक्स किए थे। और इसके साथ भी अच्छे से हम भून लेंगे चिकन को, और फिर इसको जो है 12 से 15 मिनट तक के हम ढक के स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। चिकन अपना खूब सारा पानी छोड़ देगा और उसी में गल भी जाएगा ये। अभी चिकन बहुत अच्छे से पकने लगा है, तो इसको हम ढक देंगे और स्लो फ्लेम करके उसको 15 मिनट के लिए रख देंगे, इसी में ये हमारा चिकन अच्छे से गल जाएगा। 15 मिनट हो गए हैं, तो अब देखते हैं हम हमारा चिकन अच्छे से गल गया है कि नहीं। देखिए अच्छे से पक रहा है ये बिल्कुल स्लो फ्लेम पर, और ये अच्छा खासा दब भी गया है, और लगभग ये गल ही गया है। थोड़ा सा हम चेक करके देख लेंगे, हमारे वहाँ थोड़ा सा चिकन बहुत सॉफ्ट बिल्कुल खाया जाता है मीट, अगर आप चाहेंगे तो अपने हिसाब से रख लीजिएगा। गल गया है ये। वे चिकन को थोड़ा सा हम और भून लेंगे, जिसका मसाला है जब चलाएंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा,
जो थोड़ा सा अगर प्याज वगैरह गली नहीं होगी तो वो जब चलाते हैं तो अच्छे से भून जाता है। थोड़ा सा नमक कम है तो हम इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब नमक और डाल देंगे। अब ये चिकन बहुत अच्छे से भून गया है तो अब इसमें हम ये 1 टीस्पून भर के खुशबू का मसाला डाल देंगे। इसमें लौंग, इलायची, जावित्री, जायफल मिक्स होता है। ये हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है इसका रेसिपी। और ये थोड़ा सा हमने इसमें लौंग, जावित्री, इलायची का पाउडर डाल दिया है और थोड़ा सा आधा ढक्कन के करीब इसमें हम 1 टीस्पून या केवड़ा डाल देंगे, वाटर है केवड़े वाला। और ये मीठा केवड़ा है, इसके भी 4-5 ड्रॉप हम इसमें डाल देंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है बिरयानी में। और ये हमारा कोरमा बिरयानी के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम चावलों की तैयारी करते हैं, वो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक भगोने में पानी खौलने के लिए रख दिया था, लेकिन भी बहुत अच्छे से ये पानी खौल रहा है। तो इसमें हमने 5-6 इलायची हरी वाली डाल दी थी, 2 तेज़ पत्ते और 7-8 लौंगे डाल दी थी और नमक डाला है। नमक थोड़ा सा खुला हुआ ही रखें, जब आप उसको चखें तो नमक हल्का सा तेज़ लगना चाहिए, तभी चावलों में नमक का टेस्ट बहुत अच्छे से आता है, नहीं तो चावल फीके हो जाएंगे। तो अब ये हम चावल को 70% तक उबाल लेंगे, गला लेंगे और उसके बाद हम इसको परते लगाएंगे। ये इसमें आधे नींबू का रस हम डाल देंगे, बीजें निकाल दीजिएगा और नींबू का रस डाल दीजिए इसमें। इससे क्या होता है, चावल बहुत सफ़ेद वाइट से हो जाते हैं और थोड़ा सा टेस्ट भी उनका बहुत अच्छा हो जाता है। तो अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, नहीं तो अवॉइड कर दें इसको। ये देखिए अब चावल बहुत अच्छे से खौलने भी लगे हैं। तो इस टाइम अगर नमक आपको कम लगे तो नमक थोड़ा सा डाल सकते हैं आप इसके अंदर, और चावलों को बीच बीच में चेक भी करते रहें कि कितना गल गया है ये। जब ये अच्छे से खौल आने लगता है तो उसके बाद ये चावल गलने लगते हैं। तो आप चेक कर लीजिए, 70% तक की ये गल जाना चाहिए, 70 से 80% हो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब ये हमारे चावल बिल्कुल अच्छे से उबल गए हैं, देखिए ठीक से बिल्कुल खौल अच्छे से आ रहा है इसमें, और ये 70% डन भी हो गए हैं जितने हमको चाहिए। तो बस अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको जो है पसा लेंगे पानी को। तो ये देखिए हमने पानी इसका पसा दिया। अब 1 कप दूध जो है हम ये कौरमे में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे उसको। और थोड़ा सा उसका ऑयल जो है हम ये भगोने में डाल देंगे नीचे की तरी में, जिसमें ये चावल चिपकेंगे नहीं। इस तरीके से थोड़ा सा आप भी डाल दीजिएगा, चाहे तो प्लेन ऑयल अगर हो आपके पास तो रिफाइंड वो डाल सकते हैं, नहीं तो हम यही डाल देते हैं। और इसमें चावल की लेयर लगाएंगे, आधे से थोड़े कम हम चावल डाल देंगे इसमें। अब चावलों पे हम एक गोश्त की लेयर लगा देंगे, चिकन की लेयर लगाएंगे जिसमें मसाला और मिर्च जो है दोनों हम डालेंगे साथ में। एक अच्छी से लेयर लगा दें, इसके ऊपर थोड़े से चावल हम और डाल देंगे और फिर उसके बाद जो बचा हुआ मीट है वो भी हम इस पर डाल देंगे और लास्ट में चावल डाल देंगे बचे हुए। चावलों की और गोश्त की लेयर लगाने के बाद इसमें हम 2 कप पानी डाल देंगे, जो हम पसाया है जो हमने चावलों से वही पानी डाल देंगे, उससे ये अच्छे से दम लग जाएंगे और चावलों का जो टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो
तो इसको हमने गैस के ऊपर रख दिया है, फुल फ्लेम पर अभी हमने इसको रखा है। 5 मिनट तक फुल फ्लेम पर रखेंगे और इसके ऊपर ये हम जावित्री इलायची का पाउडर छिड़क रहे हैं। 2-3 चुटकी इस पर जावित्री इलायची का पाउडर छिड़क दें, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी बिरयानी में। हम तो सभी बिरयानी में डालते हैं इसको। और थोड़ा सा केवड़ा जल जो है वो भी डाल दें इसके ऊपर, और जो थोड़ी सी भाप बन जाएगी तो हम इसमें कलर भी डाल देंगे। अभी 5 मिनट के बाद ये अच्छे से इसमें भाप आने लगी, तो हमने कलर घोल लिया है, ये ज़ाफ़रानी कलर है, तो इसको हम डाल देंगे। आपको जो कलर पसंद हो आप वही डाल लीजिए। 1 कप में थोड़ा सा हमने पानी डाल लिया है जिससे ये थोड़ा सा लाइट कलर हो गया है, तो ये 2 रंग के चावल हो जाएंगे, थोड़ा से डार्क और थोड़े से लाइट। अब हम इसको ढक करके 15 से 20 मिनट तक स्लो फ्लेम पर दम करेंगे और आधे घंटे के लिए यूं ही छोड़ देंगे। तो दम करने के बाद आधा घंटा हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था, और अब खोल के हम देखते हैं। देखिए कितनी अच्छी बिरयानी दम हुई है, एक एक चावल ऊपर खिल के ऊपर आ गया है, तो अब ये सर्व करने के लिए रेडी है। फौरन ही चावल को नहीं निकालना चाहिए, नहीं तो ये टूट जाता है। तो आधे घंटे के रेस्ट के बाद ही इसको, कोई भी चावल हो तो उसको निकालना चाहिए। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनके तैयार हुई है, एक एक चावल खिला खिला है और नीचे के चावलों में अच्छा मसाला है। जब ये मिक्स होंगे साथ में तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है बिरयानी। इसका एक एक चावल बहुत ही टेस्टी है, और इसकी जो बोटियां हैं, पीसेज हैं, वो भी बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जूसी होंगे। एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बना के देखिए, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी ये बिरयानी। तो देखिए बिरयानी खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए मेरी रेसिपी को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।